मुख्यमंत्री का ये रिकॉर्ड है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो अपनी घोषणाएं हैं वो घोषणाएं पूरी नहीं होती, सीएम अनाउंसमेंट ही पूरी नहीं होती, इसलिए हमें ज़्यादा कोई इसमें उनकी वो नहीं है कि कितने गंभीर हैं वो अपनी अनाउंसमेंट। तो ये मैं सीएम साहब परसों आ रहे और आपने ये मुद्दा उठाया है कि भाई जो मेडिकल कॉलेज है शहीद राजा हसन खां के नाम पर और खूब विधानसभा में खूब आपने बताई वो जो है उसकी दुर्दशा आज भी है। सीएम साहब मीटिंग करते हैं शहीद हसन खां में, कोई वहाँ के डॉक्टरों से वहाँ के लोगों से बात नहीं करते। तो मतलब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए था और अब तक क्यों नहीं किया, क्या मानते हैं, क्या नीयत सही नहीं है, क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कारण स्पष्ट है, उनकी नीयत जो है सही नहीं है। और उनकी नीयत होती तो एक बनी बनाई एक जो चमन जो जो बाग खिल चुका हो जिसमें फुलवारी हो उसे उजड़ने कौन माली देता है, जब भी तो जब उदासीनता होती है नियत में खरंग हो। तो हमें तो खुश नहीं होना चाहिए कि उनकी प्रतिमा लगा रहे हैं, उनके नाम सड़क का नाम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? प्रतिमा शहीद हसन खां मेवाती की मेडिकल कॉलेज में लगी पड़ी है, एक इतनी हजारों करोड़ रुपए की सौगात राज्य सरकार की जो है मेडिकल कॉलेज के रूप में। और मैं कह सकता हूँ कि आज शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज के नामकरण की वजह से आज देश विदेश में शहीद हसन खां मेवाती को याद किया जाता है, क्योंकि उनको जीवंत करने के लिए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट का नाम होने, आज जो भी पढ़ने आता है जो पढ़ के यहाँ चला जाता है वो ज़िंदगी भर ये कहता है मैं शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज में से पढ़ के आऊँ, उनके वहाँ इलाके में से पढ़ के आऊँ। तो हमने तो इसी नीयत से ये एक जो है खिराजा की दे दी थी और उनको उनकी कुर्बानी को जीवंत करने की कोशिश करी थी। 500 साल बाद ये नस्लें आने वाली नस्लें और ये देश उनको याद करे, इसी कारण से हमने उसका नामकरण कराया था और उसको हमने एक श्रद्धांजलि अर्पित की। तो क्या यह माना जाए कि प्रतिमा लगाने के बजाय कोई संस्थान जैसे यूनिवर्सिटी है उसके नाम रखी जाए, कोई ऐसा बड़ा संस्थान? नहीं, मैंने कहा हम ये कहते हैं कि आपके मन में अगर उनके प्रति सम्मान है, सच्ची श्रद्धांजलि है, तो इस मेडिकल कॉलेज की जो है दुरुस्त किया जाए, उसके प्रबंधन को सही किया जाए और उसके नतीजे जो है वो निकलने चाहिए, जिससे ये नहीं कि आपके संज्ञान में आने के बाद, आपके वादे आने के बाद, उसके बाद भी चीज़ें नहीं होती किसी चीज़ के लिए। वैसे तो मुख्यमंत्री का ये रिकॉर्ड है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो अपनी घोषणाएं हैं वो घोषणाएं पूरी नहीं होती, सीएम अनाउंसमेंट ही पूरी नहीं होती, इसलिए हमें ज़्यादा कोई इसमें उनकी वो नहीं है कि कितने गंभीर हैं वो अपनी अनाउंसमेंट के। तो ये माना जाए कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आई 31 जुलाई? हाँ, मैंने बता दिया बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रोग्राम अब मुख्यमंत्री को भी याद आ रही है और एक सांसद है यहाँ से, वो भी पाँच साल में तो मतलब एक बार भी आते हैं, साल में आए, पाँच साल में एक बार जब भी आता है जब यहाँ चुनाव होती है, फिर यहाँ के किसी चीज़ के जब भी इनको चुनाव के दौरान ही इस इलाके की इनको जो है सूद पड़ती है। मंत्री जी, रोजका में औद्योगिक क्षेत्र के जो उद्योगपति हैं उनसे मिलने के लिए आप गए थे, उनका दर्द साझा किया था, बदहाल इंडस्ट्री वहाँ पर है, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि 11-12 साल पहले जब मैं पहले विधायक था, हमने जब भी उसमें विजिट किया था और उन्होंने बताया कि जो उस समय के जो भी सुधार हुए थे उसके बीच में जो सुधार हुए, और सबसे बड़ी मूलभूत ज़रूरत उन्हें बिजली की है, आज पचगांवों से उनको बिजली मिलती है, जो कहते हैं बड़े ब्रेकडाउन होते हैं किसी चीज़ के लिए, अगर इंडस्ट्रियल एरिया की जो लाइफलाइन है वो बिजली है उसमें अगर कमी होएगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी, उसमें हम प्रयास करेंगे कि जो भी उनकी बातें हैं उसको उचित जो है उस पर उठाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार की इतनी बड़ी IMT सोहना बन रही है, एक हमने जो सबस्टेशन हमारे समय में मंजूर हुआ पड़ा 10 साल में वो क्यों नहीं बना, हमारी समझ में इन चीज़ों के नहीं। मैं ये कह रहा हूँ इनका किसी भी उसमें सरकार में देख लें, या तो सरकार तो करती नहीं, और मैं समझता हूँ यहाँ अधिकारी भी वो आते हैं जो करना नहीं चाहते किसी चीज़ को, यहाँ की बदहाली को मतलब किसी चीज़ को करना नहीं चाहते, पता नहीं अपना आते हैं और अपना जब आते हैं जब तो रोते से आते हैं और जब जाते हैं जाने का मन ना करे, पता नहीं क्या कारण है, यहाँ कितना मन लगे जाते भी रोते आते भी रोते। मंत्री जी, एक नकल की वीडियो वायरल हुई है जिसने सरकार को हिला कर रख दिया है, शिक्षा मंत्री का उस पर बयान आया है, बोर्ड के चेयरमैन आज नूह की तरफ रुख कर रहे हैं, कैसे उसको देखते हैं और क्या कहेंगे? ये सारी की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार की है, इनका कुप्रबंधन की वजह से आज नकल होती है और कुप्रबंधन की वजह से, नकल होने की वजह से ही आज
हरियाणा जो है बिहार के तर्ज पे बदनाम होने लगा है। वीडियो बेशक हमारे इलाके की वायरल हो, पूरे हरियाणा में हाल यही है जिस तरीके से वो। तो क्या टीचरों कमी मानी जाए किस लिए? क्योंकि टीचर मैंने पहले आपको पहले बता दिया, बिल्कुल 50% सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, व्यवस्था बिल्कुल चरमराई पड़ी है और इस वजह से राज्य सरकार का जो प्रबंधन है वो फेल होता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार साजिश करके सरकारी स्कूलों को और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है एक षड्यंत्र के तहत। तो क्या इस बार सरकार ने नया लगाया कि जो टीचर स्कूल प्राइवेट हो सरकारी उसका प्रिंसिपल है उसको जो है क्या नाम है नोडल ऑफिसर बनाया है, बाकी के पहले के DO की DWO? मैं कहता हूँ ये तो विस्तृत इतनी जानकारी हमें नहीं है। कुप्रबंधन सरकार का, हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड का, उनका कुप्रबंधन है कि जिसकी वजह से नकल पे अंकुश नहीं लग रहा।